There are so many different transitions like panning, seamless jib transitions और कुछ फैंसी भी जैसे ये फोरग्राउंड वाइप ट्रांजिशन और सबके बाप जंप कट। ये सब तो अच्छे हैं ही, लेकिन आज हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रांजिशंस, माय सेकंड मोस्ट फेवरेट टू बी एग्जैक्ट। हाँ जी, यही वाले इफेक्ट के बारे में बात करना है, एक और बार देखना है ट्रांजिशन। तुम में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये क्या है, कैसे बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फायर ट्रांजिशंस। जी हाँ, मैंने नाम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? मेनली तीन चीज़ों के लिए पसंद है। पहला, इट लुक्स रियली कूल एंड स्मूथ। सेकंड, ये क्रिएट करना प्रोकास्टिनेट करने जैसा आसान है, और एक बार तुमने बना लिया ना तो दोबारा बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बना लिया, कंप्लीट, खत्म। थर्ड पॉइंट के लिए टाइम नहीं है। देखो, इसे तुम एक मिनट में बना लोगे, लेकिन अगर तुम क्यों बनाना है और कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है इस पे फोकस करोगे ना, तो ऐसे हज़ारों ट्रांजिशंस बना सकते हो, इससे बेहतर बना सकते हो। सो रादर फोकसिंग ऑन हाउ ओनली द टेक्निक्स, फोकस ऑन वाई एंड व्हेन द रीजंस। पता है, बच्चे हर चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते हैं। क्यों? बच्चे चलना या फिर वॉकिंग इतने जल्दी नहीं सीखते क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको ट्यूटोरियल देते हैं चलने का या फिर टेक्निक्स बताते हैं। वो इसीलिए जल्दी सीखता है क्योंकि उसे किसी ऊपर रखी चीज़ों तक पहुंचना है या फिर किसी लंबी डिस्टेंस उसे जल्दी कवर करना है। सो द रीजंस व्हाई, व्हाई फॉर मी, मैं बहुत सारा टॉकिंग हेड वीडियोस करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए कोई इन कैमरा ट्रांजिशंस तो, और ये इफेक्ट ना हर टाइप के टॉपिक, स्टोरी टेलिंग या फ्लो के साथ जाता है, चाहे वो टॉकिंग हेड से बी रोल्स हो या फिर बी रोल से सीधा प्रीमियर प्रो की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं ये इफेक्ट दिखाने वाला हूँ। और इसके लिए तुम्हें जो चाहिए वो है एक लाइट लीक ओवरले फुटेज लाइक दिस। वेट, फायर ट्रांजिशन नाम है पर लाइट लीक सर्च कर रहा है? दोस्त, आंख तो हमें लगाना है हेटर्स पे, एडिटिंग पे। और ऐसे भी फायर ओवरले सर्च करोगे तो ऐसा एक ओवरले डाउनलोड करने के बाद हम ढूंढेंगे एक ऐसा पार्ट जहाँ पे लाइट रे वाली पैटर्न ना पूरा स्क्रीन को कवर कर रहा है। उसको सिलेक्ट करो, फिर उठा के सीधा ले आओ मैदान पे और चेक कर लेना कि ये एक सेकेंड के आस पास ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं। फिर इसको सिलेक्ट करके सीधा जाओ इफेक्ट्स कंट्रोल पे। यहाँ पे बस एक चीज चेंज करना है, ब्लेंडिंग मोड। किस पे? स्क्रीन पे। क्यों? क्यों? क्योंकि उससे फुटेज का पीछे वाला ब्लैक बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है और सिर्फ रहता है रिग्रेट, ओनली ब्राइट सामने वाला हिस्सा। और ये कॉन्सेप्ट यूज करके ना तुम कोई भी ओवरले को जिसका पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक है उसे ट्रांजिशन बना सकते हो। बस दोनों क्लिप के बीच में ऊपर ये एक सेकेंड वाली क्लिप को रख दो तो देखना एक ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा। बट ट्रांजिशन के साथ साउंड और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के साथ ईगो ना हो तो प्रोफेशनल टच नहीं रहता। सो लेट्स सर्च फॉर ईगो, फायर साउंड इफेक्ट और बॉन फायर साउंड इफेक्ट। बोला था ना, आग एडिटिंग पे लगाएंगे। सेम टेक्निक, सिलेक्ट द एरिया, फिर उसे ड्रैग करके ले आओ उस एक सेकेंड वाली क्लिप के नीचे। और मैं क्या करता हूँ बताए, आगे और पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ट्रांजिशन की स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक बहुत ही सॉफ्ट फ्लो आ जाए। बस ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन। अब इन दोनों क्लिप को, ऑडियो और वीडियो को एक साथ पकड़ो शिफ्ट पे हाथ रख के और राइट क्लिक करके ऑडियो और वीडियो फाइल को लिंक कर दो आधार कार्ड की तरह। क्यों? ताकि नेक्स्ट इसको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके ले आ सकते हो पूरा सेटअप को, और एक प्रोजेक्ट विंडो से दूसरे प्रोजेक्ट पे भी कॉपी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे थोड़ा दिमाग की उपयोग करके आप बहुत मज़ेदार चीज़ें बना सकते हैं। हम आशा करेंगे कि आप भी हमें थोड़ा मजा दे सकते हैं किसी तरह। बट ऑलवेज रिमेंबर, दिस वॉज माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट ट्रांजिशन। तो पहला कौन सा है बताऊंगा जल्दी? क्या हर वीडियो की लास्ट में मजा चाहिए? थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए जिंदगी में।